This conference will now be recorded. Okay. So last we discuss about function. Function declaration, how can we give function definition and all. Okay. Today we also continue with the function and aaj jo function ke andar saath padhne wale hain wo kuch kal se thoda sa alag rahega. Kal maine jo simply aapko bataya wo ye bataya ki bhai jo hamara function hai wo kuch is tarike se hai ki hum ek group of statements ko some instructions okay I'm writing some thing and I'm writing some instructions. So right now I don't have any much code, so I'm writing like this: printf instructions. Okay, and yesterday I discussed this. Let me suppose we have some instructions. We have 5 instruction, and if my requirement to repeat that instruction or reuse that instructions multiple times. Okay, एक सेकेंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो instructions हैं, okay, ये जो instructions हैं वो हम individually लिख रहे हैं, ठीक है? जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम इंडिविजुअली लिख रहे हैं और मान लेते हैं यहाँ पर मुझे इन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, मुझे इनकी जरूरत पड़ी. फिर मुझे आफ्टर फ्यू लाइंस मुझे फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ी. ओके, मुझे फिर से सेम इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ी. तो क्या हो रहा है? तो हो ये रहा है कि मुझे सेम इंस्ट्रक्शंस फिर से लिखने पड़े, है ना? फिर से मुझे कुछ आफ्टर सम लाइंस मुझे फिर से सेम इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ी, ठीक है? मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग की 5 लाइंस, फिर उसके बाद फिर कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस आ गए, ठीक है? यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेटमेंट प्रिंट एफ अदर INS TRU instructions, है ना? Other instructions, INSTRU instructions, okay? Some other instructions. और ये भी हैं लगभग मेरे को लगता है कि ये भी कुछ मेरे हैं, है ना? मतलब लगभग. Oops. Okay. I need to delete this. Semicolon, Shift Home, Control C, and okay. ठीक है? तो मुझे फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पर जरूरत पड़ी और मुझे अगेन ये जो मेरे इंस्ट्रक्शंस थे इनकी जरूरत फिर से पड़ी. तो मुझे क्या करना पड़ा? इंस्ट्रक्शन फिर से लिखने पड़े और उसके बाद फिर मुझे सम अदर इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ी. मतलब यहाँ पर मेरा कुछ कोड अलग है और फिर से मुझे सेम इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ी जो मैंने यहाँ पर लिखे थे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है कि बाय दिस मेरी प्रोग्राम के अंदर हो गई है लगभग 35 लाइंस. मेरे पूरे प्रोग्राम में कितनी होगी? 35 लाइंस हो गई. नाउ द क्वेश्चन इज कि अब अगर मुझे किसी भी इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है और मैं इस कंसेप्ट को कहूंगा ज्यादा समझदारी के लिए कि रीयूज. सपोज दीज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आई रिक्वायर टू रीयूज. यहां पर मैंने रीयूज किए और इन इंस्ट्रक्शंस को मैंने यहां पर रीयूज किया. फिर मैंने दोबारा से जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में डिफाइन किए थे उनको मैंने फिर से रीयूज किया, है ना? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब मुझे सेम टाइप के इंस्ट्रक्शंस को बार बार यूज करना पड़ रहा है ना, और उससे मेरे कोड की जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो मेरे कोड की जो लेंथ है, वो कैसी हो रही है? बढ़ रही है. तो मैं क्या करूं इसके कंपेरिजन में? मैं क्या करूं? तो मैं कल एक बात आपको बताई थी कि भाई आप इसे कंपेरिजन में ना फंक्शन यूज कर लो. आपको लगता है कि आपको
सेम इंस्ट्रक्शन मल्टी टाइम्स यूज करने पड़ रहे हैं, रीयूज करने पड़ रहे हैं, तो आप क्या करो कि भाई इन इंस्ट्रक्शंस को क्यों ना मैं एक फंक्शन के अंदर डाल दूं, है ना। दीज इंस्ट्रक्शंस आई हैव, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई इनको ग्रुप्ड कर देते हैं, ठीक है, और इस ग्रुप का नाम देते हैं, एक इस ग्रुप का नाम दे देते हैं हम सम अदर INS इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सम अदर इंस्ट्रक्शन। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, SINS लाइक दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स मैंने इसको कर दिया सम अदर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मैंने इसको एक नाम दे दिया, और मैंने एक बताया था क्योंकि वो प्रोटोटाइप का पार्ट है, फंक्शन के डिक्लेरेशन का पार्ट है, कि भाई फंक्शन को आपको एक रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, है ना, ये कंपलसरी है, तो मैंने वो भी कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये इंस्ट्रक्शन, इन इंस्ट्रक्शन की भी बार बार जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि दोबारा से इन इंस्ट्रक्शंस को भी एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया, ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया, और इसका भी मैंने नाम दे दिया, लेट मी मेन मेन इंस्ट्रक्शंस INS, ये हमारे मेन इंस्ट्रक्शंस हैं, और यहाँ पर मैंने फंक्शन का फंक्शन डिक्लेरेशन ऑपरेटर नहीं लगाया था, तो मैंने लगा दिया, और यहाँ पर हम फिर से कर देते हैं void, ठीक है। तो मुझे इन इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत पड़ रही है, तो आप देख रहे हो कि भाई इस इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को मैंने नाम दिया मेन INS, और मैंने इन इंस्ट्रक्शंस के जो सम अदर इंस्ट्रक्शंस है इसके ग्रुप को नाम दिया मैंने सम अदर INS, सम OTH INS, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि इन पांचों लाइंस को बार बार डिफाइन करने की जगह मैं सिर्फ यहां पर कॉल कर दूं मेन INS, ओके, और इनकी जगह मैं कॉल कर दूं SOME OTH INS, ठीक है, और फिर से इन इंस्ट्रक्शंस की जगह पर मैं पहले वाला फंक्शन कॉल कर देता हूं, और ये मैंने कर दिया कॉल, ठीक है, और इन इंस्ट्रक्शंस की जगह फिर से मैं कॉल कर देता हूं इसको, ओके, या डन, और फिर से मुझे ये वाले मेन इंस्ट्रक्शंस दोबारा जरूरत पड़ रही है, तो मैं इनको हटा के फिर से कॉल कर देता हूं इस फंक्शन को, ठीक है, जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मैंने बाइंड कर दी, इनको मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, मेरा काम हो गया। तो अब हो क्या रहा है, अब ध्यान से समझो कि ये जो थ्री इंस्ट्रक्शंस थे, मैंने मैंने ये थ्री इंस्ट्रक्शंस को कितनी बार यूज किया, एक दो दो बार, तो मुझे थ्री इंस्ट्रक्शंस को कितनी बार रिपीट करना पड़ता, 6 टाइम्स, लेकिन अभी मेरा दो स्टेटमेंट्स कॉलिंग में मेरा काम हो गया, क्यों, क्योंकि जब मैं इन फंक्शंस को यहां पर कॉल करूंगा, सॉरी दिस इस फंक्शंस को जब मैं यहां पर कॉल करूंगा, तो वो इस पूरे कोड को यहां पर मेरा लाके रिप्लेस कर देगा, ठीक है, आई नीड टू अप्लाई सेमीकॉलन, या डन। तो ये मेरा जो एक लाइन है, ये इस पूरे कोड को यहां पर लाके क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मेरा काम हो जाएगा। अब ये मेरे जो 5 लाइन का कोड है, ये कोड इस स्टेटमेंट की वजह से मेरा पूरा कोड यहां पर रिप्लेस हो जाएगा, और ये हमारा कंसेप्ट कहलाएगा कॉलिंग, ठीक है, फंक्शन कॉल, फंक्शन फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन कॉल। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करने से बेटर है कि मैं यहां पर क्या कर दूं, फंक्शन कॉल कर दूं, ठीक है। एक और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, पहले मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूं, तो आपको कुछ एक साथ ऐसे दिखेगा, लेकिन पूरा प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है ना। आप ध्यान से देखो कि इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, 5, फिर उसके बाद सम अदर इंस्ट्रक्शन, सम अदर इंस्ट्रक्शन, सम अदर इंस्ट्रक्शन, उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, ऐसे इस तरीके से पूरा आ रहा है। मैं बैक स्लैश एन लगा दूंगा तो वो अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर माई रिक्वायरमेंट टू एड फ्यू मोर इंस्ट्रक्शन इन इट, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं एक ही जगह चेंज करूंगा, एक बस यहां पर, ठीक है, मैं एक ही जगह चेंज करूंगा बस यहां पर, आई रिक्वायर सम मोर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, आई रिक्वायर सम मोर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ठीक है, मुझे यहां पर इंस्ट्रक्शन रुपए दी। तो अब देखिए मैंने बस एक जगह चेंज किया, और देखिए 8 तक यहां पर आ रहा है, 7 7 के बाद यहां पर 8 तक आ रहा है, 8 इंस्ट्रक्शंस। और मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई ये जो मैंने सम इंस्ट्रक्शंस यूज किए थे, इनको मुझे यूज नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, बस यहां से इस फंक्शन की कॉलिंग को हटा दूंगा, ठीक है,
इन फंक्शन कॉल रहा, और मुझे लगता है कि भाई मुझे 3 बार नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ एक बार यूज करना है, तो मैंने बस फंक्शन की कॉलिंग को सिर्फ एक बार रहने दिया और मेरा पूरा कोड मेरे हिसाब से विद इन फ्यू मिनट्स, क्योंकि छोटा सा कोड है, विद इन फ्यू सेकेंड क्योंकि छोटा सा कोड है, मैंने अपने कोड को कर दिया कंट्रोल। तो देखो फायदा हो रहा है कि चेंजेस अगर मुझे नए अप्लाई करने हैं तो वो भी मैं एक एक जगह मैंने चेंजेस किए, जहां पर मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा वो हर जगह मुझे चेंजेस मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर, ऑलमोस्ट जो मेजोरिटी है वो एंड्रॉयड फोन्स की है, तो एंड्रॉयड फोन के अंदर जब आप एक बार अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर लेते हो, तो फिर आप चाहे प्ले स्टोर यूज कीजिए, चाहे आप यूट्यूब यूज कीजिए, चाहे आप गूगल क्रोम यूज कीजिए, चाहे आप फोटोज ऐप यूज कीजिए, है ना, आप यानी कि गूगल की किसी भी एप्लीकेशन के लिए आपको अलग अलग तरीके से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार एक आईडी से लॉग इन कर लिया और वो आपकी आईडी अब हर एक गूगल के अकाउंट पे काम करेगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अमेजोन प्राइम हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, अमेजोन म्यूजिक, अमेजोन प्राइम वीडियो एंड अमेजोन किंडल। किंडल में हम ई बुक पढ़ सकते हैं, ई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ई मैगजीन पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने एक बार किसी भी एप्लीकेशन में लॉग इन कर लिया, सपोज मान लेते हैं हमने प्राइम के लिए कर लिया, तो सेम आईडी से आप लॉग इन कर सकते हो म्यूजिक के लिए, सेम आईडी से ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, सेम आईडी से आप किंडल बुक जो स्टोर है अमेजोन का उस पर भी आप लॉग इन कर सकते हो। सो सेम थिंग इज देयर कि भाई आपने एक बार कोड लिख दिया, नाउ यू वॉन्ट टू रीयूज दैट कोड सम डिफरेंट प्लेसेस, बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो आपने एक बार पहले से एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे, उनको एक ग्रुप में बाइंड किया और उस ग्रुप का दे दिया आपने कोई नाम, और जैसे आप किसी फंक्शन, जैसे आप किसी ग्रुप में, जैसे किसी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में देते हैं किसी भी ग्रुप का नाम, तो वो बन जाता है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो अब ये है हमारे एडवांटेज ऑफ फंक्शन, जहां पे मैंने आपको बताया, कल मैंने बताया था कि रीयूजिबिलिटी क्या है, कि भाई फंक्शन से ना रीयूजिबिलिटी होती है, रीयूज कर सकते हो आप कोड को, तो ये है हमारी रीयूजिबिलिटी। 1 to 8 ये नंबर ऑफ लाइंस को सिर्फ मैं एक स्टेटमेंट लिख के, यानी कि सिर्फ मेन मेन INS इस नाम के फंक्शन को कॉल करके मैं सारे इंस्ट्रक्शन को जितनी बार चाहूं उतनी बार कर सकता हूं यूज, यानी कि मुझे ये सारे इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी हाईलाइट किए हुए हैं व्हाइट कलर में, ये सारे इंस्ट्रक्शन को मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार लिखे एक फंक्शन के अंदर इनको बाइंड किया, अब नाउ मेरा बस छोटा सा काम है कि भाई कर लो फंक्शन को कॉल, और आप मल्टीपल टाइम उस फंक्शन को कर सकते हो कॉल, जिससे कि आपका कोड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। एक और बहुत बड़ा मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट है यहाँ पर फंक्शन को लेकर, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, अभी नहीं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया है कि फंक्शन के बेनिफिट क्या है, रीयूजेबिलिटी क्या है, कोड की रीयूजेबिलिटी क्या है। अब मैं बताता हूँ कि फंक्शन को और कितनी तरीके से हम डिक्लेयर या डिफाइन, है ना, या कॉल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा था कि भाई फंक्शन आप करो डिक्लेयर, एफ नाम का एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया और वहीं पर मैंने दे दी उसको डेफिनेशन। ठीक है, यहीं पर मैंने ब्लॉक ओपन किया उसका और मैंने दे दिया उसको डेफिनेशन। ठीक है, हेलो, लेट मी से हेलो, द सिंपल सिंपल स्टेटमेंट हेलो। सो मैंने यहाँ पे दे दिया उसके हेलो, बस इतना सा करना है। अब और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई, तरीके ये हैं कि आप पहले फंक्शन की करें डिक्लेरेशन, डेफिनेशन दें उसकी बाद में, और फिर उसको करें कॉलिंग, क्योंकि कॉलिंग का जो फंडा है वो केवल है मेन फंक्शन, क्योंकि अगर आप इनसाइड द मेन किसी भी चीज स्टेटमेंट को लिखते हैं वो तभी एग्जीक्यूट की जाएगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई फंक्शन के अंदर अगर आप फंक्शन को और कितने तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने अब आपको बताना है कि फंक्शन को पहले हम करते हैं डिक्लेयर। लेट सपोज आई एम डिक्लेयरिंग वन फंक्शन, फ्यू मोर अदर फंक्शन आई कैन डिक्लेयर, आई डिक्लेयर एम, ठीक है, आई डिक्लेयर एन, है ना, ये मैंने 3 फंक्शंस बना दिए। सो ये क्या है, ये है केवल डिक्लेरेशन। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नहीं किया जैसे मैं पहले कर रहा था, मैं यहाँ पर ऐसे कोई पैरेंथेसिस, मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, उसके साथ डिक्लेरेशन ऑपरेटर लगाए और मैंने दे दिया एक रिटर्न टाइप, क्योंकि अभी तक जो हम फिक्स्ड हैं वो हम कर रहे थे वॉइड रिटर्न टाइप का यूज, क्योंकि मैं अभी कुछ भी फंक्शन से रिटर्न कराने की नहीं सोच रहा हूँ। रिटर्न का मतलब बच्चों यहाँ पर ये नहीं है कि सर प्रिंट एफ से आउटपुट तो मिल रहा है तो रिटर्न का क्या मतलब है, तो फिलहाल रिटर्न और प्रिंट एफ लिखना, किसी फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना और फंक्शन से रिटर्न कराना, ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स हैं, इनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल हम ये लेके चलेंगे कि फंक्शन
एफ फंक्शन के अंदर हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालनी है और उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू हमें कुछ आउटपुट जनरेट करना है। फिलहाल अभी हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है जहां पर मैंने कर्ली ब्रेसेस किसी भी फंक्शन के साथ स्टार्ट नहीं किए हैं और मैंने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन ऑपरेटर यानी कि ये सॉरी यानी कि ये और इसके बाद दे दिया मैंने सेमी कॉलन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, दैट इज वॉट DECLERATION, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। और मैं दूसरे शब्दों में से कहता हूं प्रोटोटाइप, प्रोटो प्रो PROTO प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ, ठीक है, चलिए इतना ही काफी है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, जो मैं पहले भी लिख चुका हूँ डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन या मैं कहूंगा प्रोटोटाइपिंग, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग के अंदर फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन ऑपरेटर होते हैं, एंड होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, ठीक है। और मैंने एक और चीज बताई थी, या तो आप इस पेरेंथेसिस को खाली छोड़ दीजिए अभी के लिए, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉइड, तो वॉइड का मतलब भी ये वॉइड यहाँ पर लिखना भी इक्वलेंट है इस स्टेटमेंट के, ठीक है ना। चाहे तो आप वॉइड लिख दें, तो वॉइड का मतलब भी एम्प्टी होता है, तो मैं इसको फिलहाल एम्प्टी ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये अभी बाद में समझ में आएगा, तो मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, ओके, जो बच्चों इस पैरेंथेसिस के हम अंदर लिखते हैं उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, हम क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो विदाउट आर्ग्यूमेंट एक जो मैंने टाइप बताया था सबसे पहला, और विदाउट रिटर्न टाइप, व्हाई आई एम सेइंग विदाउट रिटर्न टाइप, बिकॉज द बिफोर द फंक्शन नेम आई एम यूजिंग वॉइड, देन द मीनिंग ऑफ द वॉइड इज नो रिटर्न टाइप, द मीनिंग ऑफ वॉइड इज नो रिटर्न टाइप, वॉइड मीन्स एम्प्टी, एम्प्टी एम्प्टी मीन्स नथिंग, नथिंग रिटर्न टाइप, ओके। सो द ये टाइप कौन सा हो गया, कौन सा प्रोटोटाइप हो गया, ये हो गया हमारा नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप, RETURN, नो रिटर्न टाइप, है ना, रिटर्न टाइप, एंड एंड नो आर्ग्यूमेंट, नो ARGUMENT, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बात आती है कि नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप तो हमने कर दिया सर, डिक्लेरेशन भी कर दिए, दैट्स ओके। तो अब सर इसको डेफिनेशन कैसे देना है, हाउ कैन वी गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो बच्चों डेफिनेशन देने का दो तरीका है, एक तरीका ये है, एक चीज और थोड़ी सी याद रखेंगे कि डिक्लेरेशन जो पार्ट है वो हमेशा हेडर फाइल्स के बाद हमें रखना है और मेन फंक्शन से पहले रखना है, ठीक है। ये छोटी सी चीज हम कंसिडर करके चलेंगे कि डिक्लेरेशन पार्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट हमें हेडर फाइल्स के बाद रखना है और मेन फंक्शन से पहले रखना है, ठीक है ना, मेन फंक्शन से पहले और हेडर फाइल्स के बाद। ये थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए आप कि डिक्लेरेशन पार्ट अगर हमें रखना है तो यहाँ पे रखना है। अब बात आती है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि भाई आप दे दो मेन के बाद, मेन का ये ब्लॉक यहाँ पर खत्म होता है। बहुत ध्यान रखेंगे कि मेन भी एक फंक्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेन का भी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेन फंक्शन भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और नाम है क्या है मेन, और मेन के साथ ये पेरेंथेसिस हमें बताते हैं कि ये एक फंक्शन है। और देखिए मेन का जो स्कोप है, स्कोप का मतलब है मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट से लेके एंड है, तो इस स्टार्ट से पहले ये वाले है मेन से अबव, और ये वाला पार्ट जो इस कर्ली ब्रेसेस के बाद है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद है, ये कहलाएगा मेन के आफ्टर। तो मेन के आफ्टर आप डेफिनेशन दे सकते हो, मेन से अबव दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन 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 ठीक है, पहले हम एक टाइप डिस्कस करते हैं, और मैं यहाँ पर केवल एक ही फंक्शन बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ बताया कि आप एक से ज्यादा भी फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं पहला कंसेप्ट ले रहा हूँ कि भाई मुझे डेफिनेशन देनी है मेन के बाद, हैपीली पॉसिबल। लेकिन डेफिनेशन के टाइम पे क्या होगा, डेफिनेशन के टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो ये डिक्लेरेशन हो जाएगी। आपको क्या करना होगा कि मेन फंक्शन जैसे आपने एफ फंक्शन आपने लिखा, और यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर आप दे सकते हैं डेफिनेशन। एंड आई एम गिविंग ए सिंपल डेफिनेशन दैट दैट फंक्शन 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 एफ इज कॉल्ड, फंक्शन एफ इज कॉल्ड, ठीक है। आई एम गिविंग सब वेरी सिंपल डेफिनेशन, फंक्शन एफ इज कॉल्ड, ठीक है। तो ठीक है भाई, मैंने दे दिया यहाँ पे फंक्शन एफ इज कॉल्ड, और अब मुझे क्या करना है, तो ये मेरा पार्ट जो कहलाएगा डेफिनेशन। क्यों कहलाएगा, आप ध्यान से समझिए कि फंक्शन डिक्लेरेशन ऑपरेटर के बाद मैंने क्या स्टार्ट किया है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया है, और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, तो यानी कि फंक्शन एफ इस ब्लॉक से स्टार्ट होके उसकी डेफिनेशन कहाँ तक खत्म होती है, इस ब्लॉक के अंदर तक, यानी कि ब्लॉक के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे इस पार्ट में, ओके लेट मी हाईलाइट, इस पार्ट में आप जो भी कुछ लिखेंगे वो कहलाया जाएगा फंक्शन एफ बॉडी,
ठीक है, एक नया वर्ड मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दोबारा से, बॉडी ऑफ फंक्शन एफ, वी कैन से बॉडी 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 ऑफ फंक्शन एफ, या मैं कह सकता हूं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ, यू कैन से एनीथिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, बॉडी ऑफ फंक्शन एफ और आइदर यू कैन से डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। तो ये मेरी एक लाइन की डेफिनेशन है फिलहाल, क्योंकि हम केवल अभी फंक्शन यूज करना सीख रहे हैं, कैसे उसमें हम वर्किंग कर सकते हैं, तो ये मैंने कर दिया। तो ये एक पार्ट है डेफिनेशन का, और कॉलिंग तो आपको पता ही है होगी हमेशा मेन के अंदर, और कॉलिंग के समय हम रिटर्न टाइप यूज नहीं करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम और उसके साथ फंक्शन डिक्लेरेशन ऑपरेटर और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन तो मैंने आपको पहले बताया ही है कि वो होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब अगर एक स्टेटमेंट खत्म होगी तो उसके बाद आप लगाएंगे सेमी कॉलन, राइट। हेडर फाइल के बाद सेमी कॉलन नहीं लगता है, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। तो ये मेरा काम खत्म हो चुका है, और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो बच्चों ये बिल्कुल एज यूजुअल रन होगा जैसे कि पहले रन हो रहे थे, तो फंक्शन एफ इज कॉल्ड, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब बात आती है कि भाई ये हो गया टाइप 1, टाइप 1 कि भाई सबसे पहले मैंने दिया फंक्शन को, यहाँ पर डिक्लेयर किया, मैंने किया यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, उसकी डेफिनेशन खत्म कर दी, और उसके बाद जो मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि एफ मेरा कैसा है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, है ना, यानी कि इसको डेफिनेशन कौन दे रहा है, एफ फंक्शन को डेफिनेशन कौन दे रहा है, हम। तो ये मेरा कैसा फंक्शन हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं मेन फंक्शन की, क्लियर स्क्रीन की, गेट सी एच की, मेन की बात नहीं करता हूँ, क्लियर स्क्रीन की, गेट सी एच की, तो देखिए आपके प्रोग्राम में ये कहीं डिक्लेयर है, लाइक ऐसे void, void, CLR, SCR, ऐसे कहीं डिक्लेयर है, नहीं है डिक्लेयर, क्यों, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड फंक्शन है। ये डिक्लेयर कहाँ पे है, ये डिक्लेयर है भाई कोनियो डॉट एच के अंदर, ठीक है ना। और प्रिंटर फंक्शन कहाँ पर डिक्लेयर है, ये डिक्लेयर है भाई स्टूडियो डॉट एच के अंदर। गेट सी एच कहाँ पर डिक्लेयर है, ये डिक्लेयर है भाई कोनियो डॉट एच के अंदर। इस तरीके से इनकी पहले से वर्किंग डिसाइड है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फंक्शन एफ की, तो ये फंक्शन मैंने पहले डिक्लेयर किया है, यहाँ जो मैंने हाईलाइट पार्ट किया, ये पार्ट में मैंने उसको डेफिनेशन दी है, और ये पार्ट है मेरा फंक्शन का कॉलिंग, क्या है ये मेरी कॉलिंग, ठीक है। तो अब ये मेरा हो गया टाइप 1 कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हो, पहले फंक्शन को डिक्लेयर करो, फिर फंक्शन की डेफिनेशन, दो स्टेप हमेशा सेम रहेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो ये मैंने टाइप 1 बताया। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप ये हो सकता है कि सर एक हम फंक्शन बनाए हैं, चलिए मैं किसी अब दूसरे नाम से फंक्शन लूंगा, void m, ठीक है, ठीक है, मैंने दूसरे नाम से एक फंक्शन लिया, सॉरी मैं अभी भी डिक्लेरेशन ले रहा हूँ, तो मैंने ले ली पहले डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के जस्ट बाद टाइप 2 मैं बता रहा हूँ, जस्ट बाद मैंने इस फंक्शन को दे दी डेफिनेशन, ठीक है। टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में क्या था, आप कोई सा भी टाइप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप 1 में क्या था कि भाई पहले आपने फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया था और उसकी डेफिनेशन आप दी थी, आपने दी थी मेन के बाद इस एरिया में, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन को पहले हमने डिक्लेयर किया मेन से पहले, जो कि फिक्स है, और डेफिनेशन भी हम यहीं पर दे रहे हैं मेन से पहले, ठीक है, जो कि ऑप्शनल है कि आप मेन से पहले भी डेफिनेशन दे सकते हो और मेन के बाद भी दे सकते हो, जैसे कि हमने टाइप 1 में पढ़ा था। अब मैं यहाँ पर ही डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक देता हूँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ हेलो, ठीक है, या फिर मैं कह देता हूँ रनिंग एग्जीक्यूट, ई एक्स सी यू टी, ई एग्जीक्यूट रन एग्जीक्यूट फंक्शन, फंक्शन एम, ठीक है, कि भाई एम फंक्शन को मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ सर यहाँ पे, क्योंकि ये एम फंक्शन है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ये इस डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स क्लोज है और ये डबल कोट स्टार्ट है, ठीक है, इसके अंदर, इन डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखो, आइदर इट इज मीनिंगफुल, आइदर इट इज नॉट मीनिंगफुल, ये जो हमारे कहलाए जाते हैं, ये कहलाए जाते हैं सोर्स कैरेक्टर, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस पार्ट को, हम कहते हैं सोर्स कैरेक्टर। तो आप जैसे मर्जी आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे, चाहे वो मीनिंगफुल है चाहे मीनिंगफुल नहीं है, ये एज इट इज हो जाएगा हमारा रन। अब क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, माई मिस्टेक, मैं फंक्शन को पहले कॉल कर देता हूं, और ये मैं दिखा देता हूं कि आप इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, आप वो एज इट इज आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये मीनिंगफुल नहीं था, ये जो मैंने ऐसे ही JHDC ऐसे मैंने कीबोर्ड की प्रेस कर दी, तो ये कोई मीनिंगफुल नहीं था, बट मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई ये पैरेंथेसिस लगाना कोई कंपल्सरी नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, इट इज जस्ट ए शुड आई से प्रिंट स्टेटमेंट, तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए मैंने पहले दी डिक्लेरेशन,
और सॉरी या मैंने पहले दी डिक्लेरेशन और उसके जस्ट बाद मैंने दे दी फंक्शन को डेफिनेशन, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं। और आप देखिए कि यहां पर मैं मेन के अंदर कर रहा हूं एम फंक्शन को कॉल, इनसाइड द मेन आई एम कॉलिंग एम फंक्शन। सो दिस इज वर्किंग एज यूजुअल, जैसा कि हमारा टाइप वन में मैंने आपको सिखाया था कि फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस क्या है, चेंजेस हैं डेफिनेशन, कि डेफिनेशन पहले हम मेन के बाद दे रहे थे और अब हमने मेन के पहले दे दिए। तो ये भी एक वैलिड वैलिड ऑप्शन है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो कि मैं आपको सबसे पहले बता चुका था वो ये है कि फंक्शन को किया आपने डिक्लेयर और उसी के साथ दे दिया आपने डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन को किया आपने डिक्लेयर और उसी के साथ दे दिया आपने डेफिनेशन, ये है हमारा टाइप थर्ड, ठीक है। टाइप थर्ड मैंने आपको जो सारे टाइप बताए हैं वो प्रायोरिटी के हिसाब से बताए हैं कि सबसे ज्यादा रिकमेंडेड कौन सा है। टाइप वन इज द मोस्ट रिकमेंडेड विद सी लैंग्वेज, ठीक है। टाइप वन इज द मोस्ट रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर ऑफ सी लैंग्वेज, टाइप वन, ठीक है। सेकेंड टाइप इज द लोअर प्रायोरिटी देन द फर्स्ट टाइप, कि भाई डिक्लेरेशन उसी के डेफिनेशन, ये हमारा सेकेंड टाइप होता है जो कि लेस रिकमेंडेड है टाइप वन से। और जो हमारा थर्ड है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये हमारा सबसे लो प्रायोरिटी है, यानी कि सबसे हाई प्रायोरिटी आपकी डिक्लेरेशन आफ्टर द मेन डेफिनेशन, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द केस ऑफ सी लैंग्वेज। एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज फंक्शन डिक्लेरेशन, उसी के नीचे डेफिनेशन, दिस इज द मीडियम प्रायोरिटी। एंड द लो प्रायोरिटी इज फंक्शन डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन, यानी कि अलग से कोई डिक्लेरेशन नहीं है, जैसे फंक्शन का डिक्लेरेशन मैंने किया और उसी के साथ मैंने ओपन कर दिया अपनी कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब फंक्शन की बॉडी मैंने देना स्टार्ट कर दी। एंड हियर आई एम राइटिंग वर्किंग, WORKING, वर्किंग विद 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 फंक्शंस इन सी लैंग्वेज, LANGUAGE, राइट। सो दिस इज डन कि वर्किंग विद फंक्शंस इन सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज के फंक्शंस के साथ हमने की है वर्किंग। तो अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि ठीक है भाई मैंने यहाँ पर फंक्शन बना दिया, फंक्शन की डिक्लेरेशन के साथ ही डेफिनेशन दे दी, क्या ये पॉसिबल है? हाँ डेफिनेटली पॉसिबल है, बट द प्रायोरिटी नंबर इज 3, ओके। तो माय रिकमेंडेशन एज द वर्ल्ड वाइड सी लैंग्वेज प्रोग्रामर रिकमेंडेशन कि आप यूज करें टाइप वन, कि जितने भी फंक्शंस की डिक्लेरेशन की आपकी नीड है तो आप पहले कर दें उनको मेन से पहले डिक्लेयर, 1 2 3 4 5 6 7 10 जितने भी फंक्शन के आप डिक्लेरेशन देंगे वो मेन से आप पहले कर दीजिए, और फिर उन फंक्शंस की अगर आप डेफिनेशन डेफिनेटली देना ही होगी क्योंकि आपने उनको डिक्लेयर किया है और आपको उनकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई यू डिक्लेयर द फंक्शन। तो आप उनकी डेफिनेशन दे सकते हैं मेन फंक्शन के बाद में, विच इज रिकमेंडेड, मोस्ट रिकमेंडेड अप्रोच, ओके। तो आप इस अप्रोच के साथ जाइए, क्योंकि अगर आप सी लैंग्वेज हमारे सीख रहे हैं तो आपको सी लैंग्वेज के अप्रोचेस को भी फॉलो करना चाहिए ताकि आप बाकी लैंग्वेजेस को सी लैंग्वेज से डिफरेंशिएट कर पाएं ऑन बिहाफ ऑफ सिंटैक्स, ऑन बिहाफ ऑफ अप्रोचेस, ऑन बिहाफ ऑफ रिकमेंडेशंस, ओके। तो ये मैं प्रिफेयर नहीं करूंगा इन फ्यूचर, वो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाने के लिए ऐसा किया, बट आई विल ऑल्सो गो विद द रिकमेंडेशन दैट आई डिक्लेयर ए फंक्शन फर्स्ट हेयर एंड आफ्टर द मेन फंक्शन आई प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ओके। एंड द डेफिनेशन पार्ट इज void m and I am declaring inside it, okay, I'm declaring inside it print f hello, print f hello, right, okay. So this is the way which is recommended by the worldwide programmers of C language, okay, this is the recommended. There be some mistake, yeah, okay, fine. So this is completed. And I recommended, worldwide programmer recommended, use this approach, okay. First declaration all functions, after the main function, and after the main function you provide the definition whatever you require, है ना। बट ऐसा कोई compulsion नहीं है, एक मैं और चीज बता दूं कि मैंने function बना दिया, अब ऐसा कोई compulsion नहीं है कि अगर ये function बना दिया तो इसकी definition भी जरूरी है, दिस इज नॉट ए कंपल्शन। आप डेफिनेशन नहीं देना चाहते, अभी आपको नीड नहीं है, बट आपने फ्यूचर के लिए बना के रख लिया है कि भाई इस फंक्शन पर मैं इन फ्यूचर काम करूंगा, बट अभी मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों, सॉफ्टवेयर के अंदर
जो अपडेट्स आती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो ऑप्शंस काम नहीं कर रहे होते और उनपे लिखा होता है रिलीज्ड इन नेक्स्ट वर्जन या रिलीज्ड इन नेक्स्ट अपडेट, कि भाई फंक्शन तो ये आएगा लेकिन अभी इस वर्जन में नहीं है, अभी इस अपडेट के साथ नहीं है, इन फ्यूचर जो इस फंक्शन की, इस एप्लीकेशन की अपडेट होंगी उन अपडेट के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस फंक्शन की फैसिलिटी। तो ऐसा अगर कोई आपकी अप्रोच है कि आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ आइडिया है अपने प्रोग्राम को एनहांस करने के लिए, तो और आपने अभी सोचा है कि भाई ऐसा कुछ फंक्शन मैं बनाऊंगा, तो आप पहले से उसे फंक्शन को कर लीजिए डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर आपको कर दिया, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने डेफिनेशन देनी है, आपने कुछ कॉलिंग करनी है, नो नो नो, नॉट इज रिक्वायर्ड। आपने डिक्लेयर बना के रख दिया, नो प्रॉब्लम, काम करेगा। ठीक है, चलिए। और आपने क्या किया, उस फंक्शन को आपने धीरे धीरे बनाना स्टार्ट भी कर दिया। मैंने मान लिया कि फंक्शन को आपने धीरे धीरे बनाना स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है, और मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, अभी इतना लिखा है, ठीक है, अभी मैंने इसका आगे कुछ नहीं लिखा, इतना ही छोड़ दिया। बट जब तक आप इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या मैंने इसको बना दिया और मैंने अभी इसको कुछ स्टेटमेंट लिख दी ऐसे ही, जस्ट एन आइडिया, एन आइडिया, राइट, मैंने ऐसे लिख दिया, जस्ट आइडिया, आइडिया, ठीक है, जस्ट एन आइडिया। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको और मैंने इसको रन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे इनकम्प्लीट, INCOMP, COMPLET, इनकम्प्लीट, पी इनकम, COMPLET, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कोड, इनकम्प्लीट फंक्शन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इनकम्प्लीट फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया और बट मैंने इसको कॉल नहीं किया, हैप्पीली पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, भाई आपने कॉल नहीं किया, आपने डिक्लेयर कर दिया और आपकी उसकी वर्किंग भी आपने स्टार्ट कर दी है, बट अभी आप उसको रिलीज नहीं करना चाहते, अभी आप उसको शो नहीं करना चाहते, ठीक है। इन आफ्टर सम टाइम आपका वो फंक्शन प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, आपने उसकी टेस्टिंग कर ली, सब काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसे कॉल करा दो, यानी कि उसको सबके सामने उसको ले आओ, उसको डिस्प्ले करा दो, ठीक है, जस्ट एन आइडिया, ओके। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फंक्शन के साथ याद रखने हैं कि भाई फंक्शन, ठीक है, ये तो हुआ हमारा ये वाला पार्ट, लेकिन जो अप्रोचेज हैं जो हमें याद रखनी है वो ये हैं कि अगर फंक्शन आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है ना, कॉलिंग में नहीं कह रहा हूँ, डिफाइन कर दिया तो प्रॉब्लम है। अगर डिफाइन किया है तो पहला स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज डिक्लेरेशन। अगर डिफाइन किया है तो पहला स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा डिक्लेरेशन, और अगर कॉलिंग करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो पहले दोनों स्टेप याद रखने पड़ेंगे, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, यानी कि स्टेप वन डिक्लेरेशन, स्टेप टू डेफिनेशन, ये दोनों ही फंक्शन आपको ध्यान रखने होंगे। इज इट क्लियर? सो ये रहा हमारा आज का फंक्शन पे कुछ थोड़ी सी डिस्कशन, और तो इट्स ऑल अबाउट माई साइड टुडे।